नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका स्टूडेंट कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों दीपावली को लेकर काफी लोग कंफ्यूजन में है कि ग्रहण पड़ रहा है तो किस समय पूजा की जाए, क्या शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर चेकआउट करें। पूरा शास्त्र सम्मत क्या विधि है, किस विधि से करना है, किस समय करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, मैंने सारी डिटेल्स उस वीडियो में दे दी आपको। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहें। ग्रहण 25 तारीख को है और दीपावली का शुभ मुहूर्त जो है और किस समय करना है, आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र करके अच्छे से पूजा आप कर सकते हैं। पूरा दिन भर माता रानी को ले जाने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स के साथ मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उससे पूरी डिटेल्स जानकारी प्राप्त करें और उसका लाभ प्राप्त करें। और आज का जो दोस्तों मैं आपको वीडियो बता जानकारी जो वीडियो में देने वाला हूं वो बहुत ही खास है। तो आपको इस प्रयोग को इस दीपावली में बहुत ही ध्यान से करना है। अगर आप इस प्रयोग को कर लेंगे दोस्तों तो पूरा साल भर आपकी जिंदगी में पैसों की जो भी संबंधित परेशानी है सब दूर होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ जो है आपको दीपावली से इस बार शुरू करना है। कनक धारा स्त्रोत्र जो होता है, कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसी स्त्रोत्र के द्वारा सोने की वर्षा कराई थी, शास्त्रों में कहा गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस दीपावली से आपको कनक धारा स्त्रोत्र का जो होता है पाठ आपको शुरू कर देना है। अगर हो सके तो आप जो आज शुक्रवार है तो आज ही से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो कहा जाता है कि मां लक्ष्मी की जब दीपावली के दिन आप पूजा करेंगे तो मां लक्ष्मी वहां पर स्वयं उपस्थित रहेंगी। तो अगर हो सके तो आज से ही, शुक्रवार है क्योंकि दीपावली के पहले जो पहला शुक्रवार है उससे यदि आप शुरू करते हैं तो और भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको वीडियो बाद में मिलता है तो आप दीपावली से स्टार्ट कर सकते हैं और आप पूरा साल भर आने वाली दीपावली तक कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ जरूर करें, इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी बात दोस्तों, यदि आप लोग रंगोली घर में डाल रहे हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आजकल केमिकल से मिली हुई रंगोली डालते हैं, लेकिन रंगोली डालने का जो सही नियम होता है, रंगोली क्यों डाली जाती है, रंगोली डालने का जो नियम होता है, कहा जाता है कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वो यदि आप दीपावली की रात्रि में कुछ आटे की, चावल की, दाल की, यानी कि अनाज की अगर रंगोली डालते हैं तो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वे इन भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सारा पुण्य जो करोड़ों लोगों को भोजन कराने जो पुण्य होता है वो हमें सिर्फ एक रात्रि में, यानी कि दीपावली की महारात्रि में, महादिशा में अगर हम अनाज की रंगोली डालते हैं और ये छोटे छोटे जीव जंतु जब उनको ग्रहण कर लेते हैं तो दोस्तों करोड़ों लोगों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। तो अगर आप रंगोली डाल रहे हैं, केमिकल्स वाली डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में तो थोड़ा सा उसमें चावल के दाने, आटे, ये सब चीजें डाल दें ताकि जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको भी भोजन प्राप्त हो सके, तो इससे आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं दोस्तों रोटी के उपाय की। आपको रोटी के उपाय दोस्तों दीपावली से ही शुरू करना है। मैं आपको तीन उपाय दूंगा, तीनों में से आप तीनों भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। तो पहला उपाय ये है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हर कार्य में यदि परेशानियां आ रही है, बिना वजह परेशानी लगी ही रहती है, तो ये दोस्तों हर परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको ये मूल मंत्र है, ये आप इस प्रयोग को जरूर करना शुरू कर दीजिए। दीपावली से आपको क्या करना है, दीपावली की दिन से ही आपको एक रोटी आपको डेली बनानी है और रोटी बनाने के बाद में उसके छोटे छोटे से पीस करके और आपको काली चींटियों को डाल करके आना है। याद रहे दोस्तों कि काली चींटियों को ही डालना है क्योंकि दीपावली की रात्रि है, महानिशा रात्रि है, तो आपको इस दिन से छोटी बना ले, बड़ी बना ले, जितनी क्वांटिटी में बना सकते हैं एक रोटी बना करके, और ये नियम बनाना शुरू कर दीजिए आप कि आपको एक रोटी के टुकड़े करके और काली चींटी कहीं भी है तो इन काली चींटियों को खिलाना शुरू कर दीजिए रोटी। आप देखेंगे कि 11 से 21 दिन में इसका आपको रिजल्ट, एकदम बेटर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, कोई कार्य में परेशानियां आ रही है, ए टू जेड कोई भी परेशानी है या आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी पूरी होना शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों पहला उपाय। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं कि आपको दीपावली के दिन ही आपको एक रोटी बनानी है, आप सुबह में बना लें क्योंकि शाम को फिर पूजा वगैरह की तैयारी करेंगे, पूजा करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इस उपाय को आप सुबह में ही कर लें। आपको एक रोटी बना लेनी है, रोटी बनाने के बाद में इसके बराबर में आपको चार पीस कर लेने हैं, चार टुकड़े कर लेने हैं। अब एक टुकड़ा आप क्या करेंगे, इसका एक टुकड़ा लेकर के किसी भी काले कुत्ते को आप दे करके आएंगे, एक टुकड़ा आप क्या करेंगे, आप काले कुत्ते को खिला देंगे। अब इसमें से बचे आपके तीन टुकड़े, तो तीन टुकड़े में से आपको एक टुकड़ा ले जाकर के आपको किसी भी गाय माता को खिलाना है। और दोस्तों याद रहे कि इस दिन एक प्रयोग और कर सकते हैं कि आप गाय माता को एक टुकड़ा खिला देंगे, उसके बाद में कहा जाता है कि यदि आपके भाग्य के, हाथ के भाग्य की रेखाएं यदि सोई हुई है, जागी नहीं है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसको थोड़ा सा बारीक उसको चूरमा टाइप के बना के और हाथ में रख करके
और आपको यही सीधे हाथ से और आपको गाय माता को चटा देना है। तो इससे क्या होगा, गाय माता जब आपका हाथ चाटेगी तो आपकी जो गाय भाग्य की रेखाएं हैं जो सोई हुई हैं, जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, ये भाग्य की रेखाएं जागना शुरू हो जाएंगी। तो ये प्रयोग भी आप उसी दिन कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपको तीसरा जो टुकड़ा बचेगा रोटी का, इसको ले जाकर के आपको क्या करना है, कौए को डालना है। कहीं अगर कौआ वगैरह दिख जाए आपको, काला कौआ दिख जाए, या जहां कौआ रहते हैं, या फिर आप घर की छत में डाल दें। आप ऐसी जगह देखें दोस्तों, चूज करें कि जहां पर कौआ दिख जाए आपको, कौआ रोटी खाए। आपको ये दीपावली के दिन ही प्रयोग करना है। अब चौथा टुकड़ा जो आपको बचेगा, तो आपको इसको ले जाकर के चौराहे में रख करके आना है। आप चौराहे में देखेंगे जहां भी होगा, तो ऐसी जगह कहीं रख दे चौराहे में, कोई आपको देखे ना, चुपचाप रख करके आ जाए। ये प्रयोग आपका खत्म हो जाएगा। जब चौराहे में आप रोटी दोस्तों रोटी का टुकड़ा रख करके आएंगे, तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। ये प्रयोग आप दीपावली से शुरू कर देंगे। अब इस प्रयोग को आप चाहें तो आप कंटिन्यू शुरू कर सकते हैं, यानी कि दीपावली के दिन से पूरा साल भर इस प्रयोग को कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर कुछ लोग डेली नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी प्रयोग को आप लोग शुक्रवार को, यानी कि हर महीने के चार शुक्रवार जो होते हैं, तो शुक्रवार शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब यदि शुक्रवार को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग हर पूर्णिमा को इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितना ज्यादा कम करेंगे उतना कम रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर डेली कर सकते हैं इस प्रयोग को तो डेली कर लीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों, आप लोगों की जिंदगी में हर परेशानी का समाधान मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे प्रयोग की। तो तीसरा प्रयोग को आपको क्या करना है, आपको दीपावली के दिन में आपको खीर बनानी है। खीर बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि उसमें थोड़ी सी इलायची डाल दें, थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा रखें, और क्वांटिटी में कि घर के सदस्य भी इस खीर को खाना है तो क्वांटिटी ज्यादा बनाएं। उसके बाद में आपको थोड़ी सी खीर आपको लेनी है, और इसमें आपको क्या करना है, कटोरी में अलग निकाल दें और इसमें थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का रख दें। एक रोटी आप बनाएंगे तो एक टुकड़ा नहीं रखना है दोस्तों, एक रोटी पूरी बनाए इसके छोटे छोटे पीस करके, और आपको इसमें डाल देनी है। अब इसको ले जाकर के घर की छत में कौए के लिए रख दें। तो इससे क्या होगा, अब दोस्तों कौए नहीं है तो कोई बात नहीं है, कौए के लिए उनके नाम से आप निकाल के रख दें कि आपने कौए के लिए रखा है। तो ये जो भोग होगा ये पितरों को मिलेगा, और दीपावली के दिन जब पितर आपके प्रसन्न हो जाएंगे। आपको दोस्तों प्रयोग दीपावली से शुरू करना है, और इस प्रयोग को आपको कंटिन्यू करना है आने वाली दीपावली तक। ये नहीं कि आपने दीपावली के दिन किया और आपने छोड़ दिया। अगर दीपावली के दिन से इस प्रयोग को आप शुरू करते हैं, तो आपके पितर हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, और पितरों का दोष नहीं लगेगा आपको। यदि पितृ दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। और जिसके घर में पितर प्रसन्न होते हैं, तो उनके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो आप इस प्रयोग को दीपावली से शुरू करिए। अब दोस्तों मैंने आपको तीन प्रयोग दिए हैं रोटी के, आप चाहें तो इन तीनों प्रयोगों को कर सकते हैं, और आप चाहें तो दो कर सकते हैं, आप चाहें तो एक कर सकते हैं, आपको जो भी सही लगता है आप कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कनक धारा स्तोत्र के बारे में, तो दीपावली से या आज से ही, आज आपको वीडियो मिलता है तो आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आज से शुरू करते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आज से आप यदि इस प्रयोग को कनक धारा का पाठ स्तोत्र शुरू करते हैं, तो कंटिन्यू आने वाली दीपावली, ये वाली दीपावली निकल के आने वाली दीपावली तक आप कंटिन्यू इस स्तोत्र का पाठ करते रहें। लेकिन यदि आपने आज से कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर दिया दोस्तों, तो मान के चलिए कि दीपावली के दिन में स्वयं मां लक्ष्मी आपके घर में उपस्थित रहेंगी, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसी स्तोत्र के द्वारा, कहा जाता है कि इस स्तोत्र के द्वारा सोने की वर्षा कराई थी। तो ये स्तोत्र है, आपका कर्ज से संबंधित कोई परेशानी है, धन से संबंधित परेशानी है, या फिर जॉब से, नौकरी से, A to Z कोई भी परेशानी है, सॉल्व हो जाएगी। तो इस दीपावली में इस प्रयोग को दोस्तों जरूर करिए और इसका लाभ प्राप्त करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पे जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दया की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।